हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग्स। आई होप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड से ऐसी बढ़िया मिठाई जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है कि आपने एक बार बना लिया तो बार बार खाने का मन करेगा। तो गैस पर मैंने पैन रख दिया और उसमें चढ़ा दिया है आधा लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। तो गैस को कर देते हैं ऑन और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध को हमने आधा करना है। तो इधर मैंने चार ब्रेड लिए, इनके चारों किनारे काट लेंगे। तो इस तरह से इनके किनारे काट लेंगे। देखिए ब्रेड के मैंने किनारे काट लिए। इसी तरह से मैं दो और ब्रेड उनके भी किनारे काट लेती हूँ। तो किनारे हमारे कट चुके हैं। अब इनको हमने दो भागों में डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से दो भाग में से हम काट लेंगे। एक ब्रेड से हमने चार पीस बना लेने हैं। तो ब्रेड के पीस भी हमने काट लिए हैं। उधर एक बार दूध को चेक कर लेते हैं। देखिए दूध में हमारे उबाल आ चुका है। अब इसमें हमने डाल देनी है आधा कप चीनी। मीठा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस को मीडियम पर कर देंगे। इसमें मैंने डाल दिया दो इलायची। इलायची से क्या होगा, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो सा कलर हो जाएगा, दूसरे इसमें इसकी खुशबू आ जाएगी क्योंकि बच्चे इलायची का पाउडर वगैरह खाते नहीं हैं। तो इस तरह से आप इलायची डाल दें इसमें, इसमें इलायची खुशबू भी आ जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया एक चमचा देसी घी। घी को कर लेंगे गर्म। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है ब्रेड और उन्हें सेक लेना ब्राउन होने तक टर्न करते हुए। गैस को मीडियम पर रखें, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। तो इन्हें पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगी तो इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए ब्रेड हमारी सीख चुकी है, निकाल लेते हैं। उसी तरह से हमने दो सारे ब्रेड को सेक लेना है। देखिए ब्रेड हमारी सारी सिक चुकी है, एक प्लेट निकाल लेते हैं। इधर देखेंगे दूध में दूध हमारा कितना गाढ़ा हुआ है। तो देखिए दूध हमारा आधा हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। और इसमें हमने डालनी है आधी कटोरी मलाई। मलाई से इसका टेक्स्ट और अच्छा हो जाएगा। और इलायची को निकाल लेंगे क्योंकि अब इसका दूध का कलर भी थोड़ा येलो सा हो गया है, उसमें खुशबू भी आ चुकी है। अब इसमें डाल देंगे आधी कटोरी मलाई। है फ्रेश मलाई है, घर की है। अगर आपके पास अमूल की मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है। देखिए दूध में हमारा अच्छा सा उबाल आने लगा मलाई डालने के बाद।
तो दूध हमारा पक चुका है और ये हाफ भी हो गया, थोड़ा गाढ़ा है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो मैंने जो ब्रेड सेके थे उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। तो जब मैंने ब्रेड सेके थे उन्हें एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं और उसके ऊपर डाल देंगे गरम गरम दूध। दूध डालने के बाद इसे थोड़ी देर आप बाहर रखें, जब ये ब्रेड सारा दूध अपने अंदर सोख ले उसके ऊपर हमने डाल दें ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने पिस्ता और किशमिश डाले। आपके पास बादाम के कतरन वगैरह हुआ वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो तैयार है ठंडी ठंडी ब्रेड की रसमलाई। ये खाने में बिल्कुल जो हम काले गुलाब जामुन खाते हैं उसकी तरह इसका टेस्ट आएगा और बन भी जाती है फटाफट से और ना ही ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।